दोनों ऐसा चौकिया जिन माँ के लिए तुम दोनों भाई आंसू बहा रहा था उस माँ की इज्जत लूटने के लिए चौकिया। नहीं पिताजी, हम दोनों भाई ऐसा नहीं किया हूँ। नहीं सीत बसंत, तुम दोनों झूठ बोल रहा है। तुम दोनों भाई के लिए इस संसार में मैंने क्या नहीं किया। तुम दोनों की खुशी के लिए इस राज में तुम दोनों भाई जहाँ जहाँ अपना पांव रखा मैंने अपना दिल रख दी। लेकिन आज तूने मेरी नाक कटा दी। आज मार मार कर साला जान छुड़ा। पिताजी आप क्या करें पिताजी, जरा सोचिए पिताजी, आप कीजिए पिताजी उस दिन का जब हम दोनों भाई माँ के लिए कीड़े की तरह गिर जा रहे थे और आपने हम दोनों भाई को वचन दिए थे। पिताजी बेटा शीत और बसंत तुम्हारी माँ इस संसार में नहीं है तो क्या हुआ। तुम दोनों भाई को माँ और पिता का प्यार देकर पोस पाल कर बड़ा करूंगा। वैसा करके दिखाए पिताजी इस चौदह कोस की जागीर में जहाँ जहाँ दोनों भाई अपना पार के वहाँ अपना दिल को रख दिए पिताजी। लेकिन आज आपने सीने से लगाने के जगह आप मुझे पैरों से ठुकरा रहे। क्या यही वचन दिए थे पिताजी, आप कीजिए पिताजी। क्या आपका खून इतना गंदा है जो कि हम दोनों भाई का खून इतना गंदा निकलेगा पिताजी। शीतल भूषण, हाँ पिताजी, तुम दोनों भाई के आंख के आंसू बता रहे, तुम दोनों ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम दोनों ऐसा किया नहीं तो महारानी तुम दोनों के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। मुझे तो लगता है अनजाने में महारानी के साथ तुम दोनों से कोई भूल हो गया है जो उन भूल की सजा झूठा इल्जाम लगा के मेरे हाथों से दिलवा रहे हैं। शीतल वसन, तुम दोनों अगर गलती नहीं किया है तो इस समय मेरे ख्याल से जाओ, महल में महारानी है, जाके महारानी के पांव पकड़ और उनसे कहे कि अगर कोई अनजाने में भूल हुआ है तो मां मुझे माफ कर दे। तो तुम्हारे आंख के आंसू देखते ही महारानी तुम दोनों भाई को माफ कर देगा। आप क्या करे, झूठे वादों पर आप हम दोनों भाई को पिटाई कर दिए पिताजी। वो तो सतेली माँ है, क्या हम दोनों भाई को कभी माफ करेगा पिताजी। बेटा एक बार तू माफी मांग कर तू देख वो माफ करते हैं या नहीं करते। ठीक है पिताजी, अगर आप करे हम दोनों भाई माँ के पास जा रहा हूँ। लेकिन जाने में देर है, वापस आने में अंधेर नहीं, थोड़ा सा भी हम दोनों भाई को लेट हुआ माँ के पास दरबार में बैठ कर दोनों भाई का इंतजार नहीं बल्कि हम दोनों भाई के पास आने की कृपा करेंगे पिताजी। ठीक है, तुम दोनों को माफी मांगने के लिए भेज रहा हूँ।
अगर वहां से लौटने में जरा भी विलंब हुआ पिताजी तो यहां बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं, बल्कि हम यहां से महल तक जाएंगे तुम दोनों भाई को देखने के लिए। क्यों पिताजी? जाओ जाओ, इस समय माफी मांगने के लिए।